आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल DSR जॉब अलर्ट पर, और मैं आशीष केवट आपके लिए लाया हूं टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके जिल प्रहरी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई टॉपिक से उठाए गए दोस्तों। सो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को पढ़िए और इनके आंसर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए दोस्तों। सो चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन, ज्यामिति का जनक किसे कहा गया दोस्तों? यूक्लिड को, पाइथागोरस को, या फिर रामानुजन को, या फिबोनाची को? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, बताइए दोस्तों आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा यूक्लिड। आपने इनका नाम सुना ही होगा दोस्तों, और अगर और भी ऑप्शन देखे जाएँ तो पाइथागोरस, ये एक गणितज्ञ थे दोस्तों, और रामानुजन ये भी एक गणितज्ञ थे दोस्तों, और फिबोनाची एक ये जापानी और ये यूनानी व्यक्ति थे, सॉरी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है दोस्तों? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम दोस्तों इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है VC, और इसमें कौन सा आवश्यक घटक नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन है वेबकैम, माइक्रोफोन, डिस्प्ले डिवाइस, या फिर टेलीफोन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो होगा टेलीफोन, क्योंकि टेलीफोन का कोई भी उसमें उपयोग नहीं होता है दोस्तों। और दोस्तों अन्य ऑप्शन की ओर, जैसे वेबकैम का मतलब होता है वो कैमरा ही होता है जो, माइक्रोफोन होता है एक, और एक डिस्प्ले डिवाइस होता है जो LED टाइप होता है दोस्तों, और जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। और अगर देखा जाए माइक्रोफोन जो डिवाइस है उसकी खोज किसने की दोस्तों? तो वो रॉबर्टन ह्यूज ने की थी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों विश्वनाथ आनंद को, गीत सेठी को, सचिन तेंदुलकर को, या धनराज पिल्लई को? दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो होगा दोस्तों वो होगा विश्वनाथ आनंद जी को। और दोस्तों जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो ये 1991-1992 को चालू किया गया था दोस्तों, और ये सबसे पहले विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। और अगर देखा जाए तो विश्वनाथ आनंद जी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो है शतरंज खेल से, और ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों। और जो अगले ऑप्शन को देखा जाए, जो गीत सेठी, इनका संबंध किस खेल से दोस्तों? तो वो है बिलियर्ड से। और सचिन तेंदुलकर को आप सब जानते ही होंगे, ये एक क्रिकेटर थे, और क्रिकेटर हैं मतलब अभी भी, और ये हॉल ऑफ फेम में भी शामिल हो चुके हैं दोस्तों ICC के। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों खरगोन में, ग्वालियर में, झाबुआ में, या सतना में? तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था झाबुआ में। झाबुआ में कहाँ पर दोस्तों? तो भाबरा नामक ग्राम में हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में। और इनकी माता का नाम जगरानी देवी है दोस्तों, और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो वो था 1506 में, और इनकी मृत्यु फरवरी 1931 में हो गई थी। और अगर कहा जाए तो ये अल्फ्रेड पार्क में इन्हें कुछ अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, और इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, और ये आज़ाद हो गए थे दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वे नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? BP वालिया, लाला लाजपत राय, NM लोकड़े, और NG रंगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? NM लोकड़े। और दोस्तों लाला लाजपत राय इनको आप जानते होंगे 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आए थे, तो इन्होंने उनका बहुत विरोध किया था, और उसी विरोध के कारण ये पुलिस के लाठी बर्बरता का शिकार हो गए थे, और इनकी एक महीने बाद मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इसलिए इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल। अगर भारत का केंद्र का कोई या निर्वाचन आयुक्त होता या मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता तो उनकी नियुक्ति कौन करता दोस्तों? वो राष्ट्रपति करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति कई ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि CAG हो गया, CAG हो गया, और भारत के मुख्य न्यायाधीश हो गए CJI हो गए, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि हो गए, और भी कई व्यक्तियों की इनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। और दोस्तों मुख्यमंत्री जो कि निर्वाचन द्वारा नियुक्त होते हैं, और ये एक अगर कहा जाए तो राज्य विधानसभा का एक
मुख्य नेता होते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है दोस्तों? माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, मधुबाला और सुष्मिता सेन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा मधुबाला। और दोस्तों अन्य ऑप्शन की ओर जाया जाए तो ऐश्वर्या राय ये कौन है दोस्तों? तो मिस वर्ल्ड भी एक बार रह चुकी हैं और सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं दोस्तों। ये भारत की पहली महिला ऐसी हैं जो मिस यूनिवर्स हैं और ये 1994 में बनी थी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और रंजीत सवन, बहादुर सवन क्या है दोस्तों बताइए? दो लड़ाकू विमान के नाम है, पनडुब्बियों के नाम है, या फिर धान की नई किस्में हैं, या गेहूँ की दो नई किस्में हैं? तो दोस्तों ये धान की दो नई किस्में हैं और ये धान की नई किस्में कहाँ पर खोजी गई हैं दोस्तों? तो ये पंजाब में खोजी गई हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहाँ ने, मानसिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो होगा मानसिंह ने। और मानसिंह का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो यह ग्वालियर से। और मानसिंह अगर कहा जाए तो जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, तो उसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था दोस्तों? वो मानसिंह ने किया था। और जो महाराणा प्रताप की ओर से किसी अन्य मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने नेतृत्व किया था दोस्तों। ये याद रखने का एक ही तरीका है कि अकबर मुस्लिम थे और इसलिए इनका जो नेतृत्व हिंदू ने किया था, और जो महाराणा प्रताप थे वो हिंदू थे, उनका नेतृत्व मुस्लिम ने किया था दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ दत्त। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। और जो अल हिलाल नामक पत्रिका है वो इन्हीं की है दोस्तों। और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुस्लिम लीग में ना जाकर ये कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे दोस्तों, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों। और जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ये कब अध्यक्ष बने थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने रात 12 बजे रावी नदी के किनारे ये भारत का ध्वज फहराया था दोस्तों, और स्वराज दिवस मतलब मनाया था दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था दोस्तों? 1922, 1925, 1927 और 1930 में। सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का सर्वप्रथम प्रारंभ किए गए थे। और ये कहाँ से प्रारंभ किया था दोस्तों? तो हैमिल्टन, कनाडा से। और दोस्तों अब इन क्वेश्चन का आंसर इनका हम क्या करेंगे दोस्तों? पोस्टमार्टम करेंगे। सो दोस्तों 1922 में दोस्तों क्या हुआ था? 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था दोस्तों, और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। और 1925 में अगर देखा जाए तो फरवरी 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, जिसमें एक रेल का सरकारी खजाना लूटा गया था दोस्तों, और जिसका नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया था दोस्तों। और अगर देखा जाए 1927 में क्या हुआ था दोस्तों? तो 1927 में 3 फरवरी 1927 को साइमन आयोग गठित किया गया था दोस्तों, और इसी का विरोध लाला लाजपत राय जी ने किया था, और उनके विरोध करते द्वारा ये लाठी प्रहार किया गया और उनकी फिर मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और दोस्तों ये विरोध क्यों किया गया था? तो ये 7 सदस्यीय अंग्रेजी आयोग था दोस्तों, इसलिए इनका विरोध किया गया था दोस्तों। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? सो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2012 में। और ये 2012 में गठित की गई थी कहाँ पर दोस्तों? ये दिल्ली में, और ये दिल्ली की पार्टी है। और दोस्तों आम आदमी पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों? तो वो किया था ये अरविंद केजरीवाल और हमारे किसने दोस्तों? जो अन्ना हजारे हैं। वो अन्ना हजारे किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों? तो वो जाने जाते हैं किसी आंदोलन से संबंधित हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट में देने की कोशिश करना, मैं इस प्रश्न का जवाब अगली क्लास में दूंगा दोस्तों। और भी अन्य भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आप ऑप्शन और भी अन्य फैक्ट्स आप उसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, और लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई दोस्तों? 1925 में, 1930 में, 1935 में या 1940 में दोस्तों? तो प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी दोस्तों ये 1930 में। सो दोस्तों इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो की गई थी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये क्लाइड टोम्बे के द्वारा की गई थी। और 1925 में मैंने अभी बताया कि काकोरी कांड हुआ था दोस्तों, और 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था दोस्तों, और फिर 1940
अगर 1940 में देखा जाए तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों, और 1940 और फिर 1942 में दोस्तों क्या हुआ था, तो क्रिप्स मिशन भारत आया था। 1946 में कौन आया था दोस्तों, तो कैबिनेट मिशन आया था, और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो की थी पैथरिक लॉरेंस ने, और इसी तरह इफेक्ट ढूंढते रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राजतरंगिणी ग्रंथ में किस राज्य के राजाओं को वर्णन किया गया दोस्तों, बिहार, राष्ट्रकूट, कश्मीर या उड़ीसा? सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका आंसर सही क्या होगा, तो होगा कश्मीर, कश्मीर के राजाओं को वर्णन है। और कश्मीर में भी कौन कौन से रहे जो वंश थे, कश्मीर में भी अन्य जैसे वंश थे दोस्तों, और जो कश्मीर में जो और भी जो राजवंश थे दोस्तों, उनके बारे में हम अगली उसमें वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे उत्पल वंश हो गया, कारकोट वंश हो गया आदि। और अगर देखा जाए तो वहाँ पे गोपाल नाम के राजा थे दोस्तों, और वो नियुक्त नहीं दोस्तों, वो निर्वाचित हुए थे दोस्तों, ये ऐसे पहले राजा हैं भारत के जो निर्वाचित हुए थे। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो इस्तांबुली क्या है, एक पुरसुप्त ज्वालामुखी है, जागृत ज्वालामुखी है, निर्वापित ज्वालामुखी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों? इस्तांबुली एक प्रकार की यह जागृत ज्वालामुखी है दोस्तों, और इस्तांबुली एक जागृत ज्वालामुखी है जो अभी भी प्रभावित करती रहती है पूरे मतलब पृथ्वी को। और इस्तांबुली को हवाई द्वीप का एक वो भी कहा जाता है दोस्तों, प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, जो जहाज़ वगैरह गुजरते हैं तो उनके लिए एक मतलब बताने का रास्ता बताने का भी कार्य करती है दोस्तों। और दोस्तों जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है, जिसका अर्थ होता है कि वो ना विस्फोट होती है ना कुछ होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बौद्ध तीर्थ स्थान दात का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों, चीन में, श्रीलंका में, नेपाल में या मलेशिया में? सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा श्रीलंका में। और दोस्तों और भी अन्य ऑप्शन देखे जाएँ, जैसे चीन के अभी राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो शी जिनपिंग है। और अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा दोस्तों, तो थ्री गोर्जेज या जिनपिंग बांध है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो चीन में एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगसी नदी है दोस्तों। और जो नेपाल है, नेपाल की जो राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है दोस्तों, तो वो काठमांडू है। और नेपाल के जो अगर कहा जाए तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो वो है केपीओली शर्मा, और जो प्रधानमंत्री वो है विद्या देवी भंडारी दोस्तों। और मलेशिया की राजधानी क्या है दोस्तों, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, और ये एक एशियाई देश है दोस्तों। आइए दोस्तों अन्य क्वेश्चन की ओर। रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है दोस्तों, घूर्णन गति, चक्रण गति, प्रक्षेप्य गति या रूपांतरण गति? सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वो होगा रूपांतरण गति, क्योंकि ये एक रूपांतरित रूप से होती है ये रेल की गति दोस्तों, जो कि गतिज ऊर्जा का भी उदाहरण कहलाएगी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। BIOS का पूरा रूप क्या है, बेसिक इंटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम या बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर कीजिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, या और हाई लेवल या और लो लेवल के अगर क्वेश्चन चाहिए दोस्तों आपको, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों नए क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छे और क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दोस्तों, ये बी आंसर इसका सही होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है दोस्तों कहाँ पर? दोस्तों सबसे पहले अगर डेल्टा ही समझ लिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, जो डेल्टा होता है वो नदियों द्वारा लाकर बाए गए निक्षेपों से होता है दोस्तों, वो जो पूरी मिट्टी बहाकर लाई जाती है नदियों द्वारा, और समुद्र के एक मुहाने पर होती है दोस्तों, ये एक डेल्टा होता है। और अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुंदरवन है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच स्थित है दोस्तों। और ये क्या इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, ये तो इसका आकार होता है त्रिभुजाकार। और अगर देखा जाए तो जो सुंदरवन है वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होती है दोस्तों, तो वो होती है मैंग्रोव वनस्पति। और यहाँ पर कोई अच्छी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ मैंग्रोव वनस्पतियाँ ही होती हैं। और अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम या मतलब अंतरिम मुहाने पर होता है दोस्तों, और गंगा नदी दोस्तों। अब ऑप्शन की ओर जाया जाए दोस्तों, जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी का जो अंत होता है
और गंगा नदी का दोनों का अंत होता है, यही हमारे डेल्टा का निर्माण करता है दोस्तों। और जो मिसिसिपी और मिसौरी है वो अमेरिका की नदियाँ, दोनों नदियाँ दोस्तों, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है दोस्तों। जैसे हमारे गंगा और यमुना संगम सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र होता है दोस्तों, और ये वो अमेरिका की मिसिसिपी और मिसौरी ये सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है दोस्तों। और यांगसी नदी, आप मैंने अभी बताया कि ये चीन की नदी है दोस्तों, और गंगा नदी भी मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है दोस्तों, और सिंधु नदी का जो अंत होता है वो होता है अरब सागर में। और दोस्तों इसका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो सिंधु नदी है वो किसकी दोस्तों, वो मतलब राष्ट्रीय नदी है दोस्तों, तो वह पाकिस्तान की। और जैसे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो है गंगा दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिन व्हीलर को, या फिर जेम्स प्रिंसेप को? सो दोस्तों बताइए इसका अगला आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है दोस्तों, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को। और जो भारतीय पुरातत्व का जनक है ये अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ये पहले DGB थे, और भारतीय पुरातत्व विभाग का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये कोलकाता में। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो हुई थी 1861 में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन के आदमी किया गया था दोस्तों? बताइए दोस्तों, कैंसर, कुष्ठ रोग, प्लेग, या पीत ज्वर? सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, वो होगा प्लेग बीमारी की याद में, प्लेग बीमारी की याद में बनवाया गया था दोस्तों। और ये चार मीनार है कहाँ पर दोस्तों? तो ये है हैदराबाद में, हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों। और अन्य अन्य जो अन्य चीज़ें हैं, जो कैंसर जो होती है वो कोशिकाओं के एक जगह जम जाने से होती है दोस्तों। और भी आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? महाराजा भगत सिंह के द्वारा, महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा, और महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों, या महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा? सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वो होगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और दोस्तों ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो, ये कौन थे दोस्तों? तो ये जयसिंह के ये पोते थे दोस्तों, और ये इसका आंसर होगा महाराजा सवाई जयसिंह। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का जो अध्यक्ष है वो दोस्तों वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या IT मंत्री? सो दोस्तों जो CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। CSIR ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता है दोस्तों। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे परमाणु वगैरह ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता है दोस्तों। और भी जैसे जल मंत्रालय ज़्यादातर ये प्रधानमंत्री के हाथ में होता था, लेकिन अब तो जल शक्ति मंत्री बना दिया गया दोस्तों। और आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अफीम का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिसिस, या पेपर सेमनीफेरम, और रिवोल्यून शर्पेंटाइना सिंकोना स्पेसीज? सो दोस्तों ये जो रासायनिक नाम होते हैं ये कुछ एंटिक टाइप के होते हैं, इनको आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे बार बार तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसमें क्योंकि ये टंग का प्रॉब्लम होता है, ये किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। सो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? वो होगा पेपेवर सेमनीफेरम। और दोस्तों अन्य रासायनिक नाम जैसे पढ़ लिए जाएँ दोस्तों, जैसे मनुष्य का होमोसेपियंस होता है, और फिर जैसे गाय का बॉस इंडिकस होता है, भैंस का बुबेलस बुबेलिस होता है, और जो मक्खी का वो मुस्का डोमेस्टिका होता है, और अगर देखा जाए तो कुत्ते का कैनिस फैमिलीज होता है, और फिर अन्य और भी बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो रासायनिक नाम होते हैं। और दोस्तों अगर ये जो रासायनिक नाम है वो किस भाषा में रखे जाते हैं दोस्तों, तो वो लैटिन भाषा के नाम होते हैं, और ये लैटिन भाषा के नाम ये ऐसे ही होते हैं टंग प्रॉब्लम वाले दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। जो सत्यमेव जयते का जो अर्थ है वो क्या होता है दोस्तों? सत्यमेव जयते इसका अर्थ होता है, बताइए दोस्तों, सत्य की विजय होती है, सच्चा विश्वास दुर्लभ है, या सत्य ईश्वरीय है, या सत्य एक खजाना है दोस्तों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो होगा सत्य की ही विजय होती है दोस्तों। और ये हमारा एक राष्ट्रीय वाक्य भी है सत्यमेव जयते। और ये शब्द ये किसने सबसे पहले प्रयोग किया था दोस्तों? तो ये तो वैसे अशोक के बनाए गए द्वारा वो शिलालेख है, वहाँ से लिए गए दोस्तों, मुंड को उपनिषद से। और जो सत्यमेव जयते है ये नारा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ये दो नारे दिए गए थे, एक दोस्तों एक गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा, और एक सत्यमेव जयते का भी नारा दिया गया था दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गोल गुंबज में किसका मकबरा स्थित है दोस्तों? गोल गुंबज, सबसे पहले इसका आंसर दोस्तों समझा जाए, कुली कुतुब शाह का मकबरा, या फिर गयासुद्दीन का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा, इनमें से कोई नहीं। सो दोस्तों गोल गुंबज ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है बीजापुर में,
गोल गुंबज बीजापुर में है। और दोस्तों जो बीजापुर के जो शासक थे वो कौन थे दोस्तों, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह थे दोस्तों। और अगर इसका आंसर भी देखा जाए, जो गोल गुंबज है उसका निर्माण भी यूसुफ आदिल शाह ने ही करवाया था दोस्तों। और जो आदिल शाही वंश है तो यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की थी दोस्तों, और इनकी राजधानी बीजापुर को बनाया था दोस्तों। और जो गयासुद्दीन का मकबरे से अगर गयासुद्दीन लिया जाए दोस्तों, तो जो तुगलक वंश है, तुगलक वंश की स्थापना दोस्तों वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और जो कुली कुतुब शाह ये गोलकुंडा के शासक थे दोस्तों, और इन्होंने अपने अंतिम दिनों में गोलकुंडा में शासन किया था दोस्तों। और अगर देखा जाए जो दोस्तों जो अपना मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों, उसमें अगर उसका एक शॉर्ट फॉर्म देखा जाए, तो अगर आप याद करेंगे कि वर्गीकरण जो अपना क्रम होता है तो वो कैसे याद करें दोस्तों, तो आप याद करेंगे GKTSL, GK यानी अर्थात गुलाम, और K खिलजी, T यानी तुगलक, और GKTSL S यानी दोस्तों क्या होता है, तो सैयद, और एल यानी लोधी। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोधी को ही हराकर बाबर ने ये मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं आशा रखता हूँ कि बिल्कुल आपको पसंद आई ही हो, क्योंकि इसके साथ मैंने कम से कम ये 25 नाम के क्वेश्चन थे, और बाकी इसके साथ मैंने 100 क्वेश्चन देने की कोशिश करी है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और मैं इसी तरह